Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. New syllabus, Primary Mathematics, Textbook 4. Today we are going to do some practice questions on page number 41. This is lesson number 3 of chapter number 2, multiplication and division. यहाँ पर हमने ये सीखना है कि हमारे पास अगर एक वन डिजिट नंबर हो और उसको मल्टीप्लाई करना हो फोर डिजिट नंबर के साथ, तो हम कैसे बड़े आराम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको सिंपली वर्टिकली फॉर्म में लिखना है। ये जो आपके पास फोर डिजिट का नंबर है, इसको आप लिखिए थोड़े से गैप के साथ। उसके बाद ये जो वन डिजिट नंबर है, इसको अपने यूनिट डिजिट के नीचे लिख दीजिए। ठीक है, सिंपल। अब आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो वन डिजिट नंबर है, इसका आपने टेबल पढ़ना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो डिजिट इसके ऊपर है यानी कि यूनिट डिजिट, अभी आपके पास फोर डिजिट नंबर है ना, इसमें यूनिट 10, 100 और 1000 चार डिजिट्स हैं आपके पास। सबसे पहले आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे यूनिट से, फिर 10 से, फिर 100 से और फिर 1000 से। यानी कि आपको 3 का टेबल 4 दफ़ा पढ़ना है। पहले 3 7s are 21, अब आपके पास आंसर आया 2 1 21। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, यूनिट डिजिट को सिर्फ उठाना है, नीचे लिख देना है, और बाकी जो आपके पास टेंस का डिजिट है, इसको आप ले जाएंगे नेक्स्ट डिजिट के ऊपर, यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब इसके साथ आपने क्या करना है, अब हमने दोबारा से 3 का टेबल पढ़ना है। 3 6s are 18, 18 के बाद ये जो 2 आपने ऊपर लगा दिया था 21 का, इस 2 को आप 18 के अंदर प्लस कर देंगे। यानी मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम कहते हैं ना कि ये रिपीटेटिव हमारे पास एडिशन होता है, तो इसके अंदर हमारे पास एडिशन का काम भी साथ साथ चल रहा होता है। 3 6s are 18 प्लस 2 19 20, 20 के अंदर फिर से हमारे पास 2 डिजिट्स आ गए। हम सिर्फ 0 लिखेंगे यहाँ पर और फिर से 2 हम लिख देंगे नेक्स्ट डिजिट के ऊपर, दैट इज 5 के ऊपर। अब देखिए 3 5s are 15 16 17, फिर से 2 डिजिट नंबर आया। फिर से हमने सिर्फ 7 को लिखना है और 1 जो है हमने इसको कैरी फॉरवर्ड कर देना है। इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड कर देना, यानी आगे बढ़ा देना। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 4 times, 3 4s are 12 प्लस 1 13। तो ये देखिए हमारे पास, अब ये क्योंकि लास्ट डिजिट था तो दोनों डिजिट्स को उठाकर हम लिख देंगे। जो लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से उसके नंबर को प्लस करके और हमने यहाँ पर पूरा आंसर लिख देना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस आंसर को उठाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 13701। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 × 4567 गिव्स अस 13701। सिंपल। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है ना, दैट इज 4576। ठीक है, 4567 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इसको यहाँ पर ठीक कर लीजिए। 6 3s are 18 होता है, तो 8 हेयर यहाँ पर आएगा और 1 कैरी फॉरवर्ड। 3 7s are 21 प्लस 2 22, फिर से 2 इधर, 2 कैरी फॉरवर्ड। 3 5s are 15 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा 17। फिर 3 4s are 12 प्लस 1 13, तो आंसर आएगा हमारा 13728। ठीक है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, कि हमारे पास नंबर्स आगे पीछे नहीं होने चाहिए जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हों, वरना हमारा आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए हमारे पास है 6 और हमें 6 को मल्टीप्लाई करना है 4098 के साथ। फिर से हम यही करेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे और हमें 8 के टाइम्स पढ़ना है, फिर 9 times, फिर 0 है तो 0 को इस तरह डील करते हैं अभी देखेंगे, और फिर 6 का टेबल पढ़ना है। ठीक है, तो 6 8s are 48। अब ये देखिए 48 का सिर्फ 8 हम नीचे लिखेंगे, 4 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 6 9s are 54 प्लस 4 58, 58 के अंदर 8 को लिखेंगे और 5 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब जब भी 0 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में 0 ही आता है। ठीक है, तो अब ये आप 6 0s are 0, तो ये जो आपके पास कैरी फॉरवर्ड नंबर है ना, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, दैट इज 5। 0 प्लस 5 5 होता है। 6 4s are 24, अब क्योंकि ये लास्ट डिजिट बचा है तो 24 पूरा उठाकर हम यहाँ लिख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 24588। ठीक है, यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो आपने इसको बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात
नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और नंबर है 6340 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो अभी हमने ये देखा था कि जब भी हमने 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसको उठाकर हम एज इट इज लिख देंगे, 7 0s are 0। क्यों? क्योंकि हर नंबर जो भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर 0 आ जाता है। फिर 7 4s are 28, 8 को हमने लिखा यहाँ, 2 को कर दिया कैरी फॉरवर्ड। 7 3s are 21 प्लस 2 23, 3 को हमने लिखा यहाँ, 2 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 7 6s are 42 43 44। अब ये लास्ट नंबर है तो हमने इसको पूरा उठा कर लिख दिया, आंसर आ गया हमारे पास 44380। कितना सिंपल है। इसी तरह से हमारे पास पार्ट डी है, पार्ट डी भी हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। 2 5 8 1 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो 9 1s are 9, 9 8s are 72, 2 लिखा यहाँ, 7 लिख दिया ऊपर। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, जो टेंस का डिजिट होता है वो नीचे उठाकर लिख देते हैं, जो यूनिट का डिजिट होता है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। इसके लिए आसान तरकीब ये है, जब भी 2 डिजिट्स आए इसको यहाँ पर उठाकर रखिए, सिर्फ यूनिट डिजिट को वो कीजिए, उसको नीचे लिख दीजिए, बाकी जो बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 9 5s are 45 प्लस 7 52, फिर से हमने लिखा 2 यहाँ, 5 को हमने कर दिया कैरी फॉरवर्ड। 9 2s are 18 प्लस 5 23, और आंसर आ गया हमारे पास 23,229। तो कितना आसान था, सिंपल सा स्टूडेंट्स, इसके अंदर बस एक स्टेप के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। बस आपने मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम काम करना है, दैट इज़ यू हैव टू रिवाइज एंड हैव ग्रिप ऑन टाइम्स टेबल्स, यानी आप 3 से लेकर 2 से लेकर 10 तक के टेबल्स पक्के पक्के याद कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम मजीद नई वीडियोस के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।